नागदा में गणेश प्रतिमा विसर्जन व्यवस्था को लेकर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत और सीएमओ ने चंबल तट का निरीक्षण किया, जिसमें यह निर्णय हुआ कि प्रतिमा का विसर्जन घाट पर नहीं होगा। श्रद्धालुओं को प्रतिमा विसर्जन चामुंडा माता मंदिर की छोटी पुलिया से ही करना होगा, इसके लिए नगर पालिका व्यवस्था करेगी। एसडीएम गोस्वामी ने चंबल के बहाव को देखते हुए छोटी पुलिया के सहारे बैरिकेड्स लगाने और बिजली व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। गणेश जी की जो प्रतिमा है उसे आगे प्रांत का विसर्जन किया जाएगा और उसी व्यवस्था के संबंध में हम सभी लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया है। पूर्ण रूप से जो व्यवस्थाएं रहेंगी हर साल की तरह वो व्यवस्थाएं रहेंगी और लाइटिंग की पूरी व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग भी रहेगा। PWD और नगर पालिका मिलकर ही व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा क्योंकि पिछले साल तक कोविड की महामारी थी, इस कारण से प्रशासन के माध्यम से हो रही थी प्रतिमा का विसर्जन, इस बार श्रद्धालु खुद अपनी व्यवस्था से अपने हाथों के द्वारा कर से भगवान का विसर्जन कर सकें, लेकिन हमारी ये अपील भी रहेगी कि सब अपना अपना ध्यान भी रखें।